बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बहुत ही ज़बरदस्त रद्द अमल आया है तहरीक इंसाफ की तरफ से। एक बार तो मैं तारीफ़ करने पे मजबूर हो गया हूँ। आपको अच्छी तरह पता है कि मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि जितने ज़्यादा पॉलिश किए जाएंगे ये उतना आप पे रंदा फेरेंगे। जब तक रद्द अमल नहीं आएगा और स्ट्रॉन्ग रद्द अमल नहीं आएगा तब तक आपकी शामत आई रहेगी। नो अमाउंट ऑफ बूट लिकिंग और बूट पॉलिशिंग कैन सेव यू राइट नाउ। वो आपको दुश्मन डिक्लेयर कर चुके हैं। एक सानिया भावल नगर पे तहरीक इंसाफ का जबरदस्त रद्द अमल आया है और उस पर मैं बात करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे रियासती सतह पर झूठ बोला जा रहा है। एक पूरा झूठ का बाजार गर्म है। मुल्क के सबसे बड़े लीडर के हवाले से झूठ का बाजार गर्म है। मैं आपको यह खबर पहले दिखाता हूं। इमरान कुरैशी ऑफर ईद प्रेयर्स एट अडियाला जेल, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून में खबर लगी, बाकी जरीदों में भी लगी होगी, क्योंकि तनकीद हुई थी कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही। डॉक्टर आरिफ अलवी जैसे बंदे ने भी, जो कि हर वक्त मफामत की बात करते हैं, इस पर ट्वीट कर दी थी कि यह नहीं होना चाहिए और सो ऑन सो फॉर। आज उन्होंने दोबारा पॉलिश हाथ में उठाई और ट्वीट कीजिए, मैं अपनी पिछली ट्वीट मैं इजाफा कर रहा हूं या उसमें तब्दीली कर रहा हूं कि मुझे इतला मिली है कि उनको ईद की नमाज पढ़ने दी गई है। इस हद तक रियासत में झूठ का बाजार गर्म है और किस बड़े पैमाने पर झूठ बोला जाता है। अभी शाह महमूद कुरैशी की बेटी है मेहर बानो कुरैशी, ये मुलाकात आज इनकी हुई है और ये बाहर आई है और उन्होंने कहा है ये सच नहीं है। दे वर नॉट अलाउड, जस्ट कंफर्म्ड विद शाह महमूद कुरैशी ड्यूरिंग आवर मीटिंग। आज मीटिंग हुई है शाह महमूद कुरैशी की फैमिली की उनके साथ और उन्होंने बताया है कि हमें ईद की नमाज तक इस यजीदी दौर में यजीदी हुकूमत ने नहीं पढ़ने दी। जी हाँ, यह झूठ बोला गया कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को नमाज पढ़ने दी गई, नहीं पढ़ने दी गई। ऐसे झूठ पर यह रियासत खड़ी है। एक और झूठ आपको दिखाते हैं, मतलब दिल परेशान है लेकिन दिखाना पड़ेगा। भावल नगर होने वाले मामूली वाक्य को सोशल मीडिया पर सियाको सबाक से हटकर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, जिससे यह तासुर दिया जा रहा है कि पंजाब पुलिस और फौज में कोई महाजराई हुई है। दोनों इदारों के अफसरान ने हकायक का जायजा लिया और मामले को खुश असलूबी से हल कर लिया। अवाम से दरख्वास्त है कि जाली प्रोपेगेंडा पर कान ना धरें। दोबारा पढ़े जरा, भावल नगर होने वाले मामूली वाक्य को सारा इल्जाम सोशल मीडिया पर डाल दिया है। अब इसकी जिम्मेदारी भी इमरान खान पर डाल देंगे। उसके लिए भी आपको एक चीज दिखाता हूं। जनरल आसिम मुनीर के जिगरी यार दोस्त मोहसिन बेग साहब क्या फरमाते हैं, यह भी आपको दिखाता हूं। बेग साहब फरमाते हैं, भावल नगर में पेश आया वाक्य अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए था, मगर इस वाक्य को एक मखसूस सियासी जमात तरीके इंसाफ और इसका सोशल मीडिया यूथियां ब्रिगेड जिस तरह सियासी रंग दे रहा है, ट्रोलिंग कर रहा है, इससे सच को झूठ के लिबादा पहना दिया गया है। मुकम्मल तौर पर यकतरफा मौकफ पेश किया जा रहा है, फ्रीके सानी का मौकफ नहीं दिया जा रहा। बाकी सारी छोड़ दें। नीचे फिर मजीद लिखता है कि अब इस वाक्य को लेकर रियासत के एक मखसूस इदारे के खिलाफ घिनौनी मुहिम शुरू कर दी गई है, जो किसी तौर रियासत और रियासती इदारों के लिए बेहतर नहीं है। इस मुहिम में तरीके इंसाफ और इसका सोशल मीडिया ब्रिगेड पेश पेश है, क्योंकि इनका मकसद ही यही है कि इदारों को कमजोर करो, अपना जाती और सियासी एजेंडा मुकम्मल करो। तो ये अब इदारों की तरफ से, क्योंकि खुद वो बयान देने की हिम्मत नहीं रखते, तो अपने टाउटों के जरिए बयान दिया गया है कि इसकी जिम्मेदारी भी तरीके इंसाफ और सोशल मीडिया पर डाल दी और अगली FIR इमरान खान पर करवा दो जाके अडियाला जेल में, कि इसका मास्टर माइंड भी वही था। पुलिस को उसने जो है वो कान भरे थे, उसकी तकरीरें सुन के पुलिस पागल हो गई थी। उन्होंने एक SSG कमांडो के घर जो है वो असला बरामद करने के लिए छापा मार दिया और उसके बाद जो है वो सूरत हाल आपके सामने है। यहां पे एक सवाल पैदा होता है, मैं बाकी बातों में आपकी जो है वो गोश गुजार करता हूं, लेकिन एक सवाल पैदा होता है। आपके एक मामूली अफसर, जी हाँ, एक गजटेड अफसर भी नहीं, एक मामूली अफसर जो अभी तक सामने आया है, जाहिर है कि तफसीलात सामने नहीं आने दी जा रही, मीडिया को रिपोर्टिंग नहीं करने दी जा रही, आपके एक मामूली अफसर जो कि गजटेड अफसर भी नहीं है, अगर उसके घर या उसके भाई के घर या जिस तरह छापा आपको इतनी तकलीफ देता है कि आप चढ़ दौड़ते हैं, एक इदारे पर चढ़ दौड़ते हैं, बावर्दी लोगों को नंगा करके मारते हैं, उनको कान पकड़ाते हैं,
उनको घुटनों पे बिठाते हैं, उनकी कमर पे अपना बूट रख के साबित करते हैं कि ताकत आपकी है। तो फिर मेरा एक सवाल है कि जब आप कौम के लीडर और साबिक वज़ीर आज़म का घर तोड़ते हैं, इसी तरह नाजायज तरीके से घुसते हैं, रेंजर सारी रात ऑपरेशन करते हैं, जब आप कौम के लीडर को अगवा करते हैं, अदालत के अंदर से अगवा करते हैं, तो क्या कौम हल्का सा रद्देअमल भी ना दे? यानी मोराल आपका डाउन होता है सिर्फ, गैरत आपकी जागती है सिर्फ, कौम क्या है, कोई चूड़ियां पहनी हुई है कौम ने हाथ में? कौम ने फिर आपको दिखाया 9 मई को पुरमन अंदाज में बाहर निकल के, एक बंदे के पास असला नहीं था, आपने उसको सानिया 9 मई करार दे दिया। अब क्या हुआ है? पहले मैं तरीके इंसाफ का रद्द अमल बता दूं, फिर उस पर बात करते हैं आगे जाके कि सूरत हाल कितनी गंभीर है और ये उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तरीके इंसाफ का बड़ा शानदार रद्द अमल आया और मैं तारीफ जरूर करूंगा। सानिया भावल नगर पर तरीके इंसाफ का रद्द अमल, सानिया भावल नगर कहना बड़ा जरूरी है क्योंकि 9 मई को किसी एक पुलिस वाले और किसी एक फौजी के ऊपर हाथ भी किसी ने नहीं डाला था। यहां पे फौज ने रियासती इदारे के ऊपर हमला किया, तोड़फोड़ की और रियासती अहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया, हफ्से बेजाम में रखा और ये सारी दफात लगती हैं। बहरहाल 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के किरदारों का आपस में टकराव पाकिस्तान में मौजूदा ला कानूनियत को मजीद अयां करता है। जिसकी लाठी इसकी बहन के जिस कानून पर 25 मई 2022 से अमल दरामद शुरू हुआ, वो आज अजदहा बनकर अपने ही बच्चे खा रहा है। ला कानूनियत का यह सियार राज तरीके इंसाफ को तोड़ने के लिए रचाया गया था, लेकिन अब यह रियासत के वजूद को अंदर से चाट रहा है। अवाम की चादर, चार दीवारी की पमाली और इन पर तशद्दुद का हथियार रियासती इदारों ने नहायत बेरहमी से तरीके इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन आज खुद इसका निशाना बन गए रियासती इदारे। गुज़श्ता 11 माह से तहरीक इंसाफ पर रियासती अमलाक पर हमले करने का झूठा बयानिया बना रहे थे, लेकिन आज खुद दिन दिहाड़े उन्होंने यही काम सर अंजाम दिया। ये बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट है। आज के वाक़े से अवाम को यह भी पता चल गया कि रियासती अमलाक पर हमले करना किसका वतीरा है और 9 मई का हकीकी जिम्मेदार कौन है। अदलिया के बाद पुलिस भी इस ला कानूनियत के अफरीत का निशाना बन गई, जिसके बल पर पुलिस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस को इस वाक्य से सबक हासिल करते हुए खुफिया एजेंसियों की इमा पर अवाम की चादर और चारदीवारी और इनके बुनियादी दस्तूरी हकूक की पामाली की रवायत तर्क कर देनी चाहिए। जिस अंदाज में IG पंजाब और महकमे पुलिस के जिम्मेदारान ने पंजाब पुलिस को लावारिस छोड़ा, वो पूरे महकमे की आंखें खोलने के लिए काफी होना चाहिए। तहरीक इंसाफ भावल नगर साने की वाक्य की शदीद मजम्मत करती है और कानून के मुताबिक जिम्मेदारों के मुआवजे का मुतालबा करती है। बिल्कुल क्लियर कर दिया है और बात हो भी गई है क्लियर कि जब रियासती इदारों पे हमला होता है तो कैसा होता है। मैं आपको वीडियोस क्या दिखाऊं, आप देख चुके हैं कल से परसों से, सब कुछ सामने आ गया है। कल से मतलब किस तरह रियासती इदारों के लोगों को मारा गया, उनके मुंह से खून निकल रहा है, उनकी कमर पे निशाना देखे, मार मार के भुरकस उनका निकाल दिया, फिर बूट उनकी कमरों पर रख के वीडियोज और तस्वीरें जारी की गई, अपनी ताकत का इजहार किया गया। मैं आपको इसकी वजह भी बताता हूं, लेकिन इसका रद्देअमल दूसरा भी देखें, ये भी बड़ा अच्छा है, फिर आपको हमाद अजहर का एक रद्देअमल दिखाना चाहता हूं। वो बहुत ही जबरदस्त रद्देअमल दिया उन्होंने भी। भावल नगर में 2 सरकारी महकमों के मुलाजमीन के मां बहन पेश आने वाले वाक्य पर तर्जमा तहरीक इंसाफ का रद्देअमल। भावल नगर वाक्य मुल्क में मरवजा ला कानूनियत और हुकूमती और रियासती सफों में गहराई तक जन्म लेने वाले बिगाड़ की बदतरीन अलामत है। पिछले 2 बरस के दौरान रियासती सतह पर दस्तूर और कानून को दफन करके ला कानूनियत को फरोग दिया गया और एक मखसूस ग्रोह को कानून से मावरा मखलूक का दर्जा दिया गया। एक मखसूस ग्रोह को, और आप समझते हैं ये कौन है? ये वही है जिन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ताकत और जबर के तौर पर सियासत से बेदखल करने के लिए जिस गुंडागर्दी को फैशन बनाया गया, रियासत के तमाम अज़ा और इदारे इसकी भेंट चढ़ रहे हैं। हुकूमती महकमों इदारों की सरबराही पर बैठे टाउट्स अपने निजी मफादात के लिए इदारों की साख, कानूनी किरदार और अवाम के लिए इनकी अफादियत को खाक में मिला रहे हैं। इससे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 मोहतरम जजेस ने अपने खत में इस बीमारी चैलेंज का खुलकर जिक्र किया जो पूरे निज़ाम को लाक है। कानून की हुक्मरानी की बुनियाद पर अदलो इंसाफ की हुक्मरानी कायम किए बगैर बेहतरी की जानिब एक इंच सफर भी मुमकिन नहीं। भावल नगर वाक़े पर खुफिया और ऐलानिया पर्दापोशी के बजाय इस काबिल मजम्मत वाक़े की तमाम पहलुओं से तहकीकात की जाए और जिम्मेदारों का पूरी सराह से तयन किया जाए। रियासत को हाकिम और महकूम या कानून से मावरा और कानून के ताबे तबकात में मजीद बांटने के बजाय कानून को बालादस्त और मेरिट को फैसला कौन बनाया जाए। यह है तरीके इंसाफ का ऑफिशियल रद्द अमल मेरे पाकिस्तानियों, जो कि मुझे कम अज कम मेरी जात से अगर पूछें तो बहुत पसंद आया है। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, जो मुल्क की सबसे ज्यादा आवाम की नुमाइंदा जमात है,
उसको यही करना चाहिए था, यही रद्द अमल उनके शाया निशान है और ये होना भी ऐसे ही चाहिए था। देखें सूरत हाल इस टाइम ये है कि अगर कमज़ोरी दिखाई जाएगी, मज़ीद लेटा जाएगा, तो वो तो आपको बिल्कुल दबा के मरोड़ने के ऊपर तुल गए हैं। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ मुराद हमाद अज़हर का जो बयान है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ जो है वो अपने वक्त पे ही अच्छी लगती है, और हमाद अज़हर ने भी अपने वक्त पे एक अच्छा बयान दिया है जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मामूली वाक़या, एक मनसूबे के तहत सरकारी अमलाक पर हमला, तोड़ फोड़, हमला आवर असलह से लैस, सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद, वीडियो फुटेज मौजूद, गवाह मौजूद, ये है सानिया बावल नगर जैसे दो नारे लगवाकर मामूली वाक्या करार दिया गया है। सानिया बावल नगर हर लिहाज से 9 मई से ज्यादा संगीन वाक्या है, क्योंकि 9 मई में तहरीक इंसाफ की क्यादत वीडियो पर मुजाहरीन को अंदर दाखिल होने से रोकती रही, और नजर भी आ रहा है ये कोई असला नहीं था, किसी सरकारी अफसर पर तशद्दुद नहीं हुआ, उल्टा तहरीक इंसाफ के कारकुन शहीद हुए, किसी किस्म की मनसूबाबंदी नहीं थी, लेकिन फिर भी 9 मई को बुनियाद बनाकर और अच्छा मौका तसव्वुर करके राजनीति का खेल खेला गया। हजारों घर तोड़े गए, 10,000 लोग गिरफ्तार किए गए, तशद्दुद किया गया, अगवा बराए बयान हुए, जाली पर्चे हुए, लोग बगैर किसी जुर्म के 11 माह भी जेल में कैद हैं। मामला यहाँ भी खत्म ना हुआ। पाकिस्तान जितने बड़े जराइम नेशनल सिक्योरिटी और रियासत मुखालिफ अनासिर जैसे वेग अल्फाज इस्तेमाल करके अमल में लाए जाते हैं, इनकी कोई कमी नहीं। अगर कोई सवाल करे तो कहा जाता है कि इदारे का वकार मजरू हो गया, इलेक्शन वक्त पर नहीं हुए और जब हुए तो फॉर्म 47 पर सबकी आंखों के सामने जालसाजी हुई। आज आपकी कौमी और पंजाब असेंबली की आधी नशस्तों पर नवाज शरीफ, मरियम सफदर और ओन चौधरी जैसे लोग बैठे हैं जो दरअसल इलेक्शन जीते ही नहीं। लेकिन ये सब और सानिया बावल नगर तो मामूली वाकयात है ना, बड़ी बात तो सिर्फ 9 मई था जब डॉक्टर यास्मीन राशिद मुजाहरीन को रोकती रहीं। तो तहरीक इंसाफ ने तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे एक स्टांस ले लिया है और बताना शुरू कर दिया कि भाई इनफ इज इनफ, आप लोगों ने जिस तरह 9 मई को रगड़ा है, जबकि किसी रियासती अलकार पर कोई हमला नहीं हुआ था उस दिन, किसी रियासती इदारे की बिल्डिंग के अंदर घुस के किसी रियासती अलकार को किसी ने घुटनों पर नहीं बिठाया था, उस दिन आवाम इतनी ज्यादा थी कि बिठा भी सकते थे, नहीं हुआ ऐसा। बल्कि वीडियोज मौजूद हैं कि कोर कमांडर जो लाहौर थे उनके साथ लोग बात कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, और उन्हें कह रहे हैं जी कि देखिए वह हमें आपसे तो कोई मसला नहीं है, और ये वो साफ सुना जा सकता है। तो किसी रियासती अलकार पर तो हमला नहीं हुआ, अगर रियासती अलकार पे हमला होता तो कह भी सकते थे कि यार वाकई सोची समझी साजिश है, फौज के ऊपर हमला कर दिया एंड व्हाट नॉट। तो सूरत हाल ये वाजिया करती है विदाउट एनी डाउट कि इस टाइम मुल्क में वो है जो इमरान खान बताते थे, और वो है जंगल का कानून। इन लोगों ने, इन दो ग्रोहों ने जो 9 मई के मास्टरमाइंड है दोनों ग्रोह, आपस में गुत्थम गुत्था होकर ये साबित कर दिया है कि इमरान खान सच्चा है, सच बोलता है कि मुल्क इस टाइम ताकत के ऊपर चल रहा है, कोई कानून नहीं है, कोई आईन नहीं है, जबर का निजाम है, इसके ऊपर ये मुल्क चलाया जा रहा है। कब तक ये मुल्क ऐसे चल सकता है और मुतम्मल हो सकता है, जाहिर है कि ये आने वाला वक्त बताएगा। इंसानी तारीख ये बताती है कि जुल्म और जबर के साथ आप रियासतें नहीं चला सकते। मैं आपको बल्कि पंजाब पुलिस का सरेंडर भी दिखा दूं जो इन्होंने काली कर दिया था। पंजाब पुलिस के सरेंडर की तकलीफ होनी चाहिए और पूरी कौम को होनी चाहिए। आपको याद है ना कि किस तरह सिंध की पुलिस खड़ी हो गई थी सो कॉल्ड बाजवा के कहने पर, के देखें इमरान खान को कि खुद कह रहे हैं कि एक मामूली वाकया था जिसे हमने खुश असलूबी से तय कर लिया, नीचे कम्युनिटी नोट लगा हुआ है, प्लेंटी ऑफ वीडियो एविडेंस ऑफ पुलिस ऑफिशियल्स बींग बीटन, इफ पुलिस ऑफिशियल्स बींग बीटन एंड एन आर्मी सोल्जर्स कैन बी सीन इन द बैकग्राउंड, ये सारा कुछ नीचे कम्युनिटी नोट्स में लिखा गया है। यानी पंजाब पुलिस अपनी पुलिस को तहफ़ देने के बजाय हमला आवरों को तहफ़ दे रही है, और इसको अब क्या बयानिया बनाया जाएगा कि मामूली वाक़ था, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हो गया मसला हो गया। तहरीक इंसाफ ने रियासती इदारों के ऊपर बयानिया बना के नेशनल सिक्योरिटी खतरे में डाल दी। मेरे पाकिस्तानी एक बात जहन में बिठा लें, नेशनल सिक्योरिटी को खतरा आइन तोड़ने से है, कानून तोड़ने से है, ताकत की हुक्मरानी से है। नेशनल सिक्योरिटी तब सेफ होती है जब मुल्क में कानून की बालादस्ती हो, आइन के मुताबिक मुल्क चले, जिसको अवाम वोट दे वो आके हुकूमत करे, ये है नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज। लेकिन आप तक ये बात कभी पहुंचने नहीं दी गई 76 साल, अब आपको समझ आई है तो ये फिर भी आपको पागल समझते हैं और कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। अवाम पहली बार अपनी 76 साल तारीख पढ़ चुकी है जो हकीकी तारीख है, और वो 2 साल में उसको पढ़ाई गई है, खुद पढ़ाई गई है, डेमो देकर पढ़ाई गई है। वो जैसे मूवी थी ना 3 इडियट्स, उसमें वो कहता है आप डेमो बड़ा अच्छा देते हैं, ये डेमो रियासती इदारों ने देख के बताया है कि हम 77 साल से क्या करते आए हैं बंद कमरों के पीछे। अब डैमेज कंट्रोल के लिए बंद कमरों में दौड़ें लगी हुई है यार, कि बड़ी खतरनाक पीआर हो गई है, इसको ट्विस्ट करके तहरीक इंसाफ पे डालो। और कैसे होगा, तहरीक इंसाफ के इस रद्द अमल को जरा समझें,
ये क्यों है इतना सख्त रद्द अमल? किसी सियासी जमात ने कभी ऐसा रद्द अमल दिया? क्योंकि ऐसी लाकानूनियत किसी और ने कभी फेस ही नहीं की, जो झूठ बोलते हैं और कहते हैं जी वो जी 2018 में भी ये हुआ था, फलां ये हुआ था। कुछ लोगों के लिए 2018 वाहिद इलेक्शन है जिसमें धांधली हुई थी, और कुछ लोग ये कहते हैं जी कि तहरीक इंसाफ आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट बन रही है, 2018 में भी हुआ था, 2013 में भी हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट तो हमेशा से करती आई है। ये सारे लोग आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। पहली बात कि मैं चैलेंज करता हूं 2018 के कोई से 10 हल्के नून लीग चूज कर ले और उसका फोरेंसिक ऑडिट करवा लें इंडिपेंडेंटली इंटरनेशनल की फंड से, और तरीके इंसाफ कोई भी 10 हल्के चूज कर ले 2023 के 24 के इलेक्शन से और इसका भी इंडिपेंडेंट ऑडिट करवा लें। साबित हो जाएगा धांधली कब हुई थी और कब नहीं हुई थी और किसके हक में हुई थी। धांधली तो 2018 में हुई थी, यह साबित होगा कि तब भी नून लीग के हक में हुई थी। अब सूरत हाल को समझें। इस वक्त जो निजाम है पाकिस्तान में जो चल रहा है, इसमें एक पैगाम देना मकसूद था। आपको पता है कि 90% लोग इमरान खान के साथ होने के बावजूद भी तमाम रियासती इदारों में क्यों खामोश हैं, क्यों बैठे हुए हैं और क्यों ये सब हो रहा है। इस वक्त जिस तरह का निजाम है वहां पे नीचे तक एक मैसेज दे दिया गया है कि ये आपके लिए फ्री फॉर ऑल कंट्री है, तो आप क्यों चाहते हैं कि यहां सियासतदान आ जाए, यहां सियासतदान की एक हुकूमत आ जाए। आई नो आपको हर चीज की इम्प्यूनिटी से आप कर सकते हैं, आपको इम्यूनिटी हासिल है, कोई आपका बाल नहीं बिका कर सकता। और ये डेमोन्स्ट्रेशन दी गई है सबको बताने के लिए कि जो मुंह उठा के ईद वाले दिन नमाज के बाद जाके पुलिस का थाना रैनसैक कर दो, मार दो, उनका कीमा बना दो, कोई आपका बाल बीका नहीं कर सकता। तो एंजॉय करो, किन झमेलों में पड़ते हो, वोट डालेंगे इमरान खान को, ये वो छोड़ो। 90% लोगों ने वोट इमरान खान को डाला है रियासती इदारों में, ये रिपोर्ट्स इदारों के पास मौजूद है। कैंट एरियाज में तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया, ये उनके पास रिपोर्ट्स मौजूद है। वो कह रहे हैं भाई इंजॉय करो, और बिलाखिर इंसान तो इंसान है, हो सकता है कहीं बह जाए इस रो में कि यार ठीक है यार अभी हमारे लिए तो फ्री फॉर ऑल कंट्री बनाए, हम तो एंजॉय करें, हमें क्या जरूरत है हकीकी आजादी और जमहूरियत और आइन और ये वो सारा कुछ। तो ये है सूरत हाल जिसके लिए ये ताकत का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है, बताया गया है कि हम कानून से ऊपर हैं, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। और आई जी पंजाब इतना बेशरम इंसान है कि मुस्ताफी हो जाता अगर कुछ कर नहीं सकता था, अगर कुछ कर नहीं सकता था रिजाइन कर देता, यह बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती, लेकिन उन्हीं का बंदा है क्योंकि उन्हीं के लिए काम करता है, उन्हीं का फ्रंट मैन है। सारे जुल्म और जबर जिन्होंने किए इसने उनको फ्रंट फ्राम किया। रोज आ जाता था मीडिया के सामने, प्लास्टिक की बोतल में पेट्रोल बम लेके आ जाता था। एक सिविलियन पॉलिटिकल लीडर जो सबक वजी अजम है उसको दहशतगर्द साबित करता रहा, और आज जब पुलिस के ऊपर दहशतगर्दी हुई तो टांगों में अपनी दुम दबा के बैठा हुआ। ऐसे किरदार हैं जो पाकिस्तान के निजाम की तबाही का बायस है। यही वो किरदार है मेरे पाकिस्तानियों जो पाकिस्तानी निजाम को बर्बाद और तबाह कर रहे हैं। और उसके बाद मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस वीडियो की हुई। बाकी सब ठीक था, आपने मार लिया, आपने धौंस धमकी धांधली कर ली, लेकिन उसके बाद पुलिस से ही नारे भी लगवा दिए। जरा ये सुने, ये बड़ी तकलीफ दे। पाक फौज जिंदाबाद, और सारे नारे भी लगवा दिए पुलिस ने, मार भी उनको दिया, कीमा भी बना दिया, उनसे नारे भी लगवा लिए। क्या नारों से ये मामला खत्म होना चाहिए था, या अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? क्या सिर्फ सिविलियंस, निहत्ते सिविलियंस अपना हक मांगने के लिए बाहर निकल आए तो ये नाकाबले माफी जुर्म बन जाए, और लोग प्लान करके बाकायदा बंद कमरों में बैठ के मनसूबाबंदी करें कि ऐसे थाने पर हम हमला करेंगे, इतने लोग जाएंगे, हमने वहां पे ये करना है, वहां से हमने रिकॉर्डिंग भी लेनी है, एक प्लानिंग के तहत थाने पर हमला हुआ पुलिस के, और सिर्फ नारे लगा के खत्म। कौम को क्या समझ लिया है आप लोगों ने? ये कौम रोटी को चोची नहीं बोलती, बल्कि ये कौम बहुत समझदार हो चुकी है, और आपकी सारी गेम्स कौम के सामने अयां हो चुकी हैं। अब भी वक्त है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इस वाक्य की पूरी कौम मजम्मत करती है। ऐसी बदमाशी और लाकानूनियत एक्सेप्टेबल नहीं है। और जो लोग तहरीक इंसाफ को कल्ट कहते हैं, आखिर मैं सिर्फ एक चीज उन्हें दिखाने लगा हूं। मैं आपको ये बात वसूख से कह सकता हूं कि पाकिस्तान में जमहूरियत की पहली और आखिरी उम्मीद तहरीक इंसाफ रह गई है। इस तस्वीर को देखें, ये लोगों को शायद कोई ईदी पैकेज या वट एवर दिया जा रहा है। पीछे अलीमीन गंडापुर और मिशाल यूसुफ दे जो उनकी कोई असिस्टेंट है या वट एवर बनी हुई है, उनकी तस्वीर है। अगर आप इस पे तरीके इंसाफ के लोगों का सोशल मीडिया पे रद्द अमल देखें ना, तो आपकी आंखों में एक बार खुशी की लहर दौड़ जाएगी।
आपका सर फख्र से बुलंद हो जाएगा कि एक ऐसी जमात है जो अपनी जमात की बेशर्मियाँ और डिटाई भी बर्दाश्त नहीं करती। इतनी तनकीद हो रही है कि आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि इसके बाद कोई जुरत नहीं करेगा तस्वीर लगाने की अपनी पीछे। ये है वो जमात जो इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत और हकीकी आज़ादी लाने के लिए लड़ रही है, और ये ज़रूरी है आवाज़ उठाना। कुछ लोग और ख़ासतौर पर खाकी लोग जो हैं वो कहते हैं जी तहरीक इंसाफ कल्ट है। मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ जमहूरियत के लिए वाहिद उम्मीद है इस टाइम पाकिस्तान में, क्योंकि ये जमात जिस सोच को रिप्रेजेंट कर रही हैं वो अवाम में जा रही हैं कि हकीकी जमहूरियत क्या है, अवाम की असल खिदमत क्या है। और आप अवाम पे एहसान नहीं कर रहे कि अपने थोबड़े वहां से जा रहे हैं, अपनी तस्वीरें लगा के आप लोगों को चेक दे रहे हैं। जो शरीफ खानदान करता है वो तरीके इंसाफ बर्दाश्त नहीं करेगी, उसके अंदर बर्दाश्त नहीं होगा। ये आपको होता हुआ नजर आएगा, अब आपको इनकी तस्वीरें और इनके थोबड़े नहीं नजर आएंगे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इमरान खान जेल में उनकी तस्वीर नजर आ सकती है, वो भी इसलिए कि क्योंकि पाबंदी है दिखाने पे, तो चलो वो दिखाएंगे तो मीडिया पे अगर रिपोर्ट होगा तो इमरान खान की तस्वीर आ जाएगी, विच इज नॉर्मल। लेकिन उसके अलावा आप इनके थोबड़े आपको शायद नजर नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो इससे ज्यादा रद्दअमल आएगा तरीके इंसाफ का। मुझे खुशी हुई ये रद्दअमल देख कर। मैं सलाम पेश करता हूँ सोशल मीडिया के उन लोगों पर जो हर इस तरह की हरकत पर आवाज उठाते हैं, अक्रॉस द बोर्ड उठाते हैं। देखिए फौज गलत करेगी यही लोग आवाज़ उठाते हैं, अपनी जमात गलत करेगी यही लोग आवाज़ उठाते हैं, कोई भी गलत करेगा जो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है ये लोग आवाज़ उठाते हैं। इनसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन कौन है जिनको आप नौ मई करके मुल्क दुश्मन करार दे रहे हैं। खुदारा होश के नाखून लें, ये मुल्क को तरक्की करवाने वाले लोग हैं, ये इस मुल्क में ज़मीर की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, आप इनको मुल्क दुश्मन बना रहे हैं। एक बार ज़रूर सोचिएगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, अल्लाह पाक आप सबका